सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम आपको काफ़ी शानदार एक से एक अच्छी मुर्रा नस्ल की कुछ ये जो बफलो सेल के लिए हैं दिखा रहे हैं। वीडियो को आगे चलाएं और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से आपको बताएं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई देश विदेश से चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आगे जो सेल के लिए एनिमल हैं उनके बारे में हम इनके जो ओनर हैं उनसे डिटेल से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सा गांव है जी ये? गांव बसई। जिला आपका? महेंद्रगढ़। और तहसील कौन सी लगती है? महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़। जो ये कौन से ब्यात में है जी? दूसरे पहले ब्यात में है जी, दो दांत है। पहले ब्यात में दो दांत जोटी है। इसमें कितना दूध तैयार है अभी? 13 लीटर दूध है। 9 दिन की ब्याई में 13 लीटर दूध। और इसके नीचे बच्चा क्या है अभी? बच्चा है कटड़ा है। कटड़ा। ये जोटी कौन से ब्यात में है अभी? ये तीसरे ब्यात में है। इसमें कितना दूध है? 14 लीटर। 14 लीटर दूध। और तो ये देखिए टाइट अडर है थोड़ा पैर के बीच का। कितने दिन की ब्याई हो चुकी है? पटड़ी है इसके नीचे। 14 लीटर दूध अभी तैयार है। और ये जोटी कौन से ब्यात में है? दूसरे की है। दूसरे की। इसको कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? बच्चा दिए इसको हो गया जी 15 दिन। 15 दिन। और अभी दूध कितना तैयार है? 16 लीटर तैयार। 16 लीटर। तो देखिए काफ़ी शानदार हाइट और लेंथ की जोटी, क्योंकि इस आर्डर के पशु आपको देखने में ही बहुत कम मिलेंगे। चारों टीथ हैं बिल्कुल इक्वल बैलेंस के ऊपर। मोड़ ले भाई, बिल्कुल रिंग सिंग। और जो कि मुर्रा की एक पहचान होती है, छोटे सिंग बिल्कुल, और लंबी गर्दन की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है देखिए। और मैन जोटी के अंदर क्वालिटी है वो अडर की क्वालिटी है देखिए, काफ़ी शानदार क्वालिटी कहूँगा मैं। चारों थन हैं वो बिल्कुल इक्वल बैलेंस के ऊपर। दूसरा जोटी है वो पशु कोई भी हो, इतने पशु हम आपको खोल के चला के दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक मैन मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, ये जो हड्डी है सिंगल हड्डी है, इस हड्डी के जो पशु होते हैं उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो काफ़ी लंबे समय तक होती है। और काफ़ी दुधारू पशु होंगे उन्हीं में सिंगल हड्डी के, क्योंकि 3 हड्डी भैंस आपको कहीं भी मिल जाएगी ऑल हरियाणा के अंदर। तो देखिए काफ़ी शानदार फेस की क्वालिटी। तो आगे इनके पास से छोटी पेमेंट के पशु भी हैं, और जो कि महेंद्रगढ़ जिला वैसे भी मुर्रा के मामले में प्रसिद्ध है। यहाँ से अच्छे अच्छे एनिमल निकल के जो हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये देखिए इसके थन हैं बिल्कुल मुट्ठी के, और जो अडर के अंदर उभरी हुई नसें हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के एक संकेत होती हैं। और मिल्क वेन देखिए, तो मैं इनका नंबर भी दूंगा वीडियो में, क्योंकि हर पशु मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस भाई को जो पशु लेना है वो उसके बारे में इनसे डिटेल से पूछ सकता है। एक ये तो देखिए काफ़ी शानदार बिल्कुल जेड ब्लैक कलर, हर पशु में क्वालिटी देखने को मिल रही है। दोनों सींग इक्वल बैलेंस के ऊपर, फेस की बनावट छोटे हेड की और बिल्कुल पतली चमड़ी। और ये भैंस भी सिंगल हड्डी की ही भैंस है, क्योंकि हर वीडियो में बताने का एक यही मकसद है कि जो नए जो डेयरी फार्मर हैं, जो डेयरी फार्मिंग की तरफ अभी नए लगे हैं युवा, तो उनको हम पशुओं के बारे में इसलिए बता रहे हैं ताकि वो तकरीबन आजकल हरियाणा के अंदर 4 से 5 दिन की ब्याई हुई 20 किलो दूध तो आम बता देते हैं। तो काफ़ी भाई जो कम पेमेंट की पूछते हैं 12-13 किलो दूध की, तो ये डेयरी के लिए काफ़ी सही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी जो अडर क्वालिटी है वो भी काफ़ी शानदार है। और ये 14 से 15 लीटर दूध तो मैक्सिमम निकालेगी। तो जो भाई पशु लेना चाहता है मैं इनका संपर्क नंबर भी दे रहा हूँ। इसमें 14 लीटर दूध अभी तैयार है। सबसे शो क्वालिटी की जोटी है, क्योंकि इस देखिए फेस की बनावट और बिल्कुल छोटे सींग की। तो मैं भाई का नंबर दे रहा हूँ। क्या नंबर भाई साहब? 90 50 57 94 72। तो जो भाई ये एनिमल सेल के लिए हैं और सेल परचेज का ही काम कर रहे हैं, अच्छे और दुधारू पशु रखते हैं, तो जो भाई लेना चाहता है वो इनसे संपर्क करें। क्योंकि जो बाहर से बाहर आज सुबह भी महाराष्ट्र से आए हुए हैं कुछ भाई, उनका फ़ोन आया कि हम पशु कहाँ से लें। तो कम से कम आप घर से चलने से पहले वीडियोस देख के और अपना एक स्टैंड बना के चले, ताकि जहाँ जाना है वहाँ पे
हर जगह पूछना नहीं पड़े बिल्कुल छोटे सींग की। तो लास्ट में मैं कहूँगा जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए जो एक से एक शानदार पशुधन लेके आना चाहते हैं उसकी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। लास्ट में सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।